सो हीरो निनार में तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वाई कॉपी समवन सेंसिटिव इज नॉट इन सोल्यूशन, क्योंकि मैं जानता हूँ काफ़ी ज़्यादा लोग ना अपनी सेंसिटिव बनाने ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम किसी की सेंसिटिव कॉपी कर लें। बट देखो यार, उसमें ना एक डिफरेंस होता है। अब देखो, सेंसिटिव बेस नहीं होती सिर्फ एक चीज़ पे कि तुम डायरेक्ट सेंसिटिव बना लो। सेंसिटिव बेस्ड होती है अलग अलग चीज़ पे, जैसे डिवाइस, फर्स्ट अपना डिवाइस, तुम्हारा रिफ्लेक्स, देन थर्ड कंट्रोल्स एंड देन योर गेम प्ले। ऑफकोर्स ये बात है, इन सब चीज़ों पे ना सेंसिटिव बेस होती है। अगर कोई बंदा पैसिव खेलता है तो प्रेफर करेगा कि वो अपनी सेंसिटिव ऐसे रखे कि वो उसमें रिकॉइल या मेनली जो अपना जो गन पावर होती है ना वो स्टेबल रख सके, और जो बंदा थोड़ा अग्रेसिव होगा वो रिफ्लेक्स पे ज़्यादा ध्यान देगा। तो ऐसे भाई डिफरेंस होता है। बट काफ़ी बंदे पता है कॉपी कर लेते हैं सेंसिटिव। उस दिन मैं एक लाइव स्ट्रीम देख रहा था जोनाथन की, तो वहाँ पे पता बंदे कमेंट कर रहे थे कि फेक सेंसी फेक सेंसी। बंदे ने फिर लाइव दिखाई तो कह रहे कि भाई जायरो की भी दिखाओ। मतलब तुम्हें पर्टिकुलरली लगता है कि तुम अगर किसी बंदे की सेंसी कॉपी करोगे तो तुम उसकी तरह खेलोगे? मतलब जिस बंदे ने इतने टाइम से मेहनत कर रखी है उस चीज़ को बनाने में, अपने पूरे रिफ्लेक्स इम्प्रूव करने में, अपना गेम प्ले सुधारने में, अपना एम अच्छा करने में, तुम वो चीज़ सिर्फ एक सेंसिटी लेके ही कॉपी करके तुम उस लेवल खेलने लगोगे? तो भाई ऐसे नहीं होता। तुम्हें किसी की भी सेंसिटी मिल जाएगी, जो भी अच्छा खेलता है तुम किसी की भी ले सकते हो, बट तुम उसकी तरह नहीं खेल पाओगे। बिकॉज उसकी तरह तुम्हें उसका माइंड सेट चाहिए। उसका माइंड सेट अलग होता है, तुम्हारा माइंड सेट अलग होता है। वैसे तुम्हें वो माइंड सेट डेवलप करना है, ना कि तुम्हें वो सेंसिटी लानी है। सेंसिटी एक परफेक्ट चॉइस होती है, क्योंकि सेंसिटी इसलिए चाहिए होती है, परफेक्ट चॉइस नहीं होती क्योंकि तुम उसमें अच्छे से खेल पाओ। उस पर अपना हाथ तुम्हारा बैठना चाहिए, तुम्हारे डिवाइस के ऊपर। जैसे मैंने बताया कि डिवाइस के ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करती है सेंसिटी, तो ऑफकोर्स ये बात है, तुम्हारा उस पर हाथ बैठना चाहिए ना। मतलब कि तुम सोच रहे हो कि तुम किसी की सेंसिटिव कॉपी करो जैसे मैंने बताया तो तुम उसी तरह खेलने लगोगे, बट ऐसे नहीं होता। बिकॉज तुम्हें माइंड सेट चाहिए, तुम्हें रिफ्लेक्स चाहिए, तुम्हें पर्टिकुलरली वो सब चीज़ें चाहिए जो चीज़ वो प्रेफर करता है। ओके, तो इससे बढ़िया तुम अपनी सेंसिटिव बनाओ और ख़ुद का माइंड सेट डेवलप करो कि तुम्हारा खेलने का स्टाइल क्या होना चाहिए। हर चीज़ धीरे धीरे सीखो, जल्दी भी सीख सकते हो। और मेनली मैं जो हमेशा कहता हूँ कि अपना एम इम्प्रूव करो। इफ़ तुम ये वीडियो भी देख रहे हो तुम काउंट कर सकते हो मेरे हेड शॉट परसेंटेज कितनी है, कितने ज़्यादा मेरे हेड शॉट लगते हैं। पर्टिकुलरली मैं 80% बंदे को हेड शॉट मारता हूँ। अभी मैं उस चीज़ को वर्क करो कि मैं 20% क्यों नहीं कनेक्ट कर पाता हेड शॉट। तो वही है भाई, अपने आपको धीरे धीरे इम्प्रूव करो और ट्राई करो कि तुम एम असिस्ट ऑफ कर ही खेल सको। और मैंने एक वीडियो में बताया, मैंने वीडियो बनाई थी कि एम असिस्ट ऑफ कर ही खेलो। अगर वो वीडियो वाले भी बंदे ये वीडियो देख रहे हैं तो तुम्हें मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर तुम्हारा लो एंड डिवाइस है ना जो बहुत ज़्यादा लैग करता है, पर्टिकुलरली मेरा एक फ्रेंड है उसके पास भी एक लो एंड डिवाइस है, द लेजेंडरी वीवो Y53 भाई, वो बहुत ज़्यादा लैग करता है। और उसमें तुम एम असिस्ट ऑफ करके नहीं खेल सकते क्योंकि तुम्हारा एम असिस्ट ऑन रख के तुम एम नहीं कर पाते सही से। तो भाई तुम ऑफ करके क्या ही करोगे? तो वही है, तुम अगर तुम्हारे पास एक अच्छा डिवाइस है, तुम उस डिवाइस पर अच्छी तरीके से कंफर्टेबल हो, तो तुम एम असिस्ट ऑफ करके प्रेफर कर सकते हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। अपने ना गेम प्ले में डिफ़िकल्टीज ला ताकि तुमने उस चीज़ को ओवरकम कर सको, उस चीज़ पे प्रैक्टिस कर सको। इफ तुम मेरे यहाँ पे एम देख सकते हो, मैं कोई अपनी तारीफ नहीं करूँ, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम अपना एम इम्प्रूव करो। अगर तुम मेरी सेंसिटिविटी ले लेते हो तो तुम मेरे जैसे नहीं खेल सकते, बिकॉज मेरे खेलने का माइंड सेट अलग है, तुम्हारे खेलने का माइंड सेट अलग है। इट्स बस इतनी सी बात है भाई। सब जो चीज़ मैटर करती है ना वो माइंड सेट मैटर करती है। शुरू से लेके अभी तक मैं एक ही चीज़ पर बात करूँ कि जो डेवलप करना है अपना माइंड सेट डेवलप करो, ना कि किसी की सेंसिटिव कॉपी करो। तो मुझे लग रहा है तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। और हाँ, ये वीडियो मैंने ये समझा के लिए नहीं बताई थी कि सेंसिटिव कैसे बनाते, क्योंकि वो तुम्हें पता है भाई, वो वीडियोज़ 2 साल से 1 साल से पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर। बट इस चीज़ में कोई नई इंक्रीजमेंट नहीं थे, कोई कोई बंदा नया चीज़ नहीं बता रहा था। तो ऑफकोर्स तुम्हारे भाई के आइडियाज़ यूनिक होता है, तो अपन बता रहा हूँ तुम्हें कि हाँ ये वाला तुम ये चीज़ करो, किसी की सेंसिटिव कॉपी मत करो। एंड ट्राई करो जायरो खेलने की, बिकॉज जायरो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, चाहे तुम क्लोज रेंज की बात करो।
तुम अपनी सेंचुरी पे ज़्यादा अच्छे से वर्क कर सकते हो। अगर तुम जायरो खेलो तुम क्लोज कॉम्बैट में तुम्हें हेल्प मिलेगी, तुम लॉन्ग रेंज में हेल्प ले सकते हो, क्लोज कॉम्बैट में तुम्हें इस चीज़ से हेल्प मिलेगी, तुम जल्दी एम ट्रांसफ़र कर सकते हो बंदे पे। बट तुम्हारा जायरो तुम्हें बिल्कुल मास्टर करना पड़ेगा। तो वही बात है भाई, खेलने का डिसीजन तुम्हारे ऊपर, तुम्हें कैसे खेलना। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप जो चीज़ों के बारे में मैंने बात करा हो तो मैंने बार बार रिवाइज करा है। एक ही चीज़ मैं तुम्हें लास्ट बार ही बताता हूँ, किसी की सेंसिटिव कॉपी मत करो क्योंकि तुम उसकी तरह नहीं खेलने वाले हो। अगर तुम्हें कॉपी करनी है तो मैं तुम्हें एक आईडी देता हूँ, तुम्हें कम मेहनत करनी सेंसिटिव बनाने पे। तुम ये देखो कि किस प्लेयर का डिवाइस नहीं, हाँ तुम डिवाइस भी देख सकते हो, बट किस प्लेयर का गेम स्टाइल तुम्हारे से मैच करता है। इफ़ तुम देखो कि कुछ होते हैं पैसिव प्लेयर होते हैं, कुछ अग्रेसिव होते हैं, तो उस हिसाब से तुम अपना डिवाइस कह रहा हूँ, तुम उस हिसाब से अपना सेंसिटिव कॉपी कर सकते हो, फिर उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर प्लेयर उठा लो वो तुम्हारे ऊपर है, और अफकोर्स अपने रिफ्लेक्स से बहुत मेहनत करो। और मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ जो मैंने पहले ही बताई कि क्योंकि तो आते नहीं क्या बताया वीडियो वायरल के लिए, कि जो तुम्हारी हाई जो सेंसी होती है वो तुम्हें अच्छे रिफ्लेक्स देती है, और जो लो सेंसी होती है वो तुम्हें स्टेबिलिटी देती है। तो ये चीज़ होती है उसकी बीच की सेंसी तुम्हें ढूंढनी है। अगर तुम उसके बीच की सेंसिटी ढूंढ लेते हो जो तुम्हारे लिए पर्टिकुलरली तुम्हारे लिए वर्क करती है, तो तुम ऑफकोर्स सी बात है तुम रिफ्लेक्स भी मास्टर कर लोगे, तुम हर चीज़ मास्टर कर लोगे और तुम एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर बन जाओगे। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आई नो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि तुम्हें क्या करना है, और ऑफकोर्स सी बात है तुम्हारा डिसीजन है। मे बी कुछ लोग यहाँ तक देखे भी ना हो वीडियो। तो मिलते फिर यार अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा सी यू नारा बाय बाय। तो स्टे होम रखना भाई, बोलना ज़रूरी था बिकॉज आई एम इन्फ्लुएंसर, वो भी गलत स्पेलिंग वाला। तो बाय बाय।